डिशंस उम्मीद है कि आप लोग खैर से। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 9th क्लास के इंग्लिश सिलेबस के हवाले से। इसके अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स कैस 2024। स्टूडेंट्स जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा लेटर, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका कोई ना कोई लेटर लाजमन लगेगा। और ये बहुत फेमस लेटर्स हैं, इनको अच्छे तरीके से करना है, पहले इनको करना है, बाकी को टाइम बाद में देना। स्टूडेंट्स तो पहले हमारे पास है राइट ए लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, तो यानी अपनी वालदा को खत लिखना है। उसके बाद है राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, मोस्ट फेमस है ये दोनों। उसके बाद राइट ए लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग ऑन हर ठीक सक्सेस इन द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के अंदर कामयाबी पर अपनी सिस्टर को मुबारकबाद देनी होती है। उसके बाद है हमारे पास राइट ए लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट, यानी आपने अपने भाई को ख़त लिखना है और उसको बताना है कि साइंस के सब्जेक्ट की कितनी अहमियत है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर, तो आपने अपने दोस्त को ख़त लिखना है जिसमें आपने उसकी सिस्टर की शादी पर मुबारकबाद देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है छठा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर, यानी उसकी वालदा की मौत के ऊपर जो है आपने अफसोस करना है, ठीक है। उसके बाद सेवन है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड हिम स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद लास्ट है वापस राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लैंड सम बुक्स। जी स्टूडेंट्स ये टोटल 8 लेटर्स हैं जो आपको मैंने दिखाई हैं, ठीक है। इंशाल्लाह 100% इन्हीं में से आपका कोई ना कोई लेटर आपको आएगा, और उम्मीद है करता हूँ कि आपको गेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे हम एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।